अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मैंने दोपहर से शुरू किया है, तो आज बन रहे थे करेले और सिंपल। ये इसकी रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ, तो वो आप देख सकते हैं अगर किसी को फुल रेसिपी चाहिए। तो आज मैं इसकी फुल रेसिपी शेयर नहीं कर रही, और ये मैं दोपहर से शुरू कर रही हूँ। ये मैंने पहले साथ फ्राई कर लिए थे और साथ में दोपहर की रोटी बना रही थी, खाना साथ बन रहा था। तो ये मैंने पहले सुबह ही काट के रख दिए थे, नमक वगैरह लगा के थोड़ी देर धूप में रखा, तो फिर मैंने अच्छी तरह वॉश करके फिर इनको साथ ही फ्राई करने के लिए रख दिया, क्योंकि किचन में काम कर रही थी तो रोटी बना रही थी साथ, फिर मैंने करेलों को भी फ्राई करने के लिए रख दिया। यहाँ पे अब साथ साथ करेले फ्राई हो रहे हैं और मैं खाना बना रही थी, रोटी बना रही थी, तो फिर थोड़ी देर बाद इनको भी हिला रही थी, मिक्स कर रही थी। यहाँ देखें, फिर मेरी रोटी तकरीबन तैयार हो गई थी, सारी रोटियाँ जो मैंने बनानी थी घर वालों के लिए वो बना ली थी, और साथ ही करेले भी फ्राई हो गए थे, तो ये दोनों काम मेरे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए थे। उसके साथ ही फिर मैं ये काउंटर टॉप की सफाई कर देती हूँ, जो भी आटा वगैरह गिरा होता है या कुछ रोटी पकाते हुए तो जो मैस होता है वो मैं साथ ही साफ़ कर देती हूँ। तो ये मैं अब साफ़ करने के बाद फिर मैं प्याज काट के रखूँगी, क्योंकि आज ख़त्म हो गया था प्याज। मैं ज़्यादातर 2-3 दिन का गट्ठा काट के रख देती हूँ, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ आगे कि मैं कैसे फिर इसको सेव करती हूँ। ये मैंने प्याज पहले थोड़ी देर पानी में भिगो के रखा था, उसके बाद जब मैं फ्री हो गई हूँ तो फिर आराम से मैंने इसको छील के और अब वॉश करके रखा हुआ है ताकि थोड़ा ड्राई हो जाए, तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी एक डब्बे में डाल के, जो एयर टाइट डब्बे होते हैं उसमें डाल के फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी, तो ये 2-3 दिन आराम से चलेगा। और करेले वगैरह में भी, और भिंडियाँ हों या करेले या इस तरह की कोई चीज़ हो तो उसमें ज़्यादा प्याज टमाटर वगैरह यूज़ होते हैं, तो इसके लिए मैंने काट के रख लिया था अलग से, जो मैंने पहले आपको दिखाया छील के रखा हुआ था, तो उसी में से मैंने कुछ काट लिया है करेलों के लिए, और ये बाकी बचा है जो वो मैं इस तरह डब्बे में डाल के पैक करके रख देती हूँ फ्रिज में। इससे स्मेल भी नहीं फैलती और ये बिल्कुल ठीक रहता है, बिल्कुल ख़राब वगैरह नहीं होता। तो 2-3 दिन या फिर 1 वीक के लिए मैं पहले से छील के रख देती हूँ, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, इससे बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और अगर कभी आप जल्दी में हो तो फिर आप इस तरह अगर कुछ चीज़ें पहले आपने तैयार करके रखी होंगी तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है खाना वगैरह तैयार करने में। इसके अलावा इसमें एक और टिप मैं आपको दूंगी और ये भी बहुत अच्छी है। ये देखिए, मैं आपको ये लेमन की बॉटल दिखा रही हूँ, ये जो बॉटल है इसमें हमने लेमन का जूस निकाल के तो फ्रीज़ किया होता है, हम 1 या 2 बॉटल भर के जब मौसम होता है हमारे घर में, जो पौधे लगे हुए हैं इसके लेमन के उनको हम निकाल के खुद तो फिर जूस इसका फ्रीज़ कर देते हैं, फिर आराम से ये हमारी पूरी गर्मियाँ ये चलता रहता है। तो ये मैंने बाहर निकाला था जब थोड़ा मेल्ट हो गया, तो मैं इसे छोटी बॉटल में डाल रही हूँ, जितना हमें चाहिए उतना मैं फ्रिज में रख दूँगी और बाकी मैं दोबारा फ्रीज़ कर दूँगी, तो इस तरह ये ख़राब भी नहीं होता और इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा रहता है, बिल्कुल ख़राब नहीं होता, वैसे ही ये चलता रहता है। तो हम इसी तरह हर साल करते हैं, हमेशा हमारे यही रूटीन है, हम ये लेमन जूस निकाल के इस तरह फ्रीज़ कर लेते हैं, तो चाहे तो आप क्यूब्स भी बना सकते हैं, वो भी चल जाते हैं अच्छी तरह, लेकिन ये बॉटल में ये है कि इसकी स्मेल वगैरह ख़राब नहीं होती, इसमें ना कोई और स्मेल जाती है, तो इसका टेस्ट वगैरह बिल्कुल ठीक रहता है, हम इसको इसी तरह सेव करते हैं, तो आप भी चाहें तो इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मेरे साथ करेले तैयार हो गए थे, तो खाना मैंने बना लिया था, और जो प्याज सैलेड के लिए मुझे काटना था, कुछ सैलेड वगैरह भी ज़ाहिर है रोज़ बनता है तो उसके लिए भी काटना था, वो मैंने कुछ काट लिया, और साथ ही मैंने जो बचा है उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी पैक करके। ये मैंने सैलेड के लिए काटा है और ये जो बचा है ये मैं अब फ्रिज में रख दूँगी,
तो ये कल के लिए हो जाएगा। तो इसके उसके बाद फिर मैं और ज़्यादा काट के रख दूँगी, छील के रख दूँगी, तो फिर काटने में जल्दी आसानी हो जाती है और खाना फिर जल्दी तैयार हो जाता है। वो रखने के बाद फिर खाना वगैरह, अभी खाने में टाइम था तो फिर मेरे हस्बैंड भाई गए हुए थे, तो उनने पूछा कि आज क्या खाना है, क्या लेके आऊँ। तो फिर वो, ये हमारा फेवरेट है टिमीज़, वहाँ से हम अक्सर कुछ ना कुछ मंगवाते रहते हैं या फिर खुद अगर जाएँ तो ले आते हैं। तो वहाँ से वो हमारे लिए लाए थे ये बर्गर वगैरह, और ये कुछ स्नैक्स थे, चिप्स और जूस और ड्रिंक जो हम लेते हैं, और ज़्यादातर ये मेरे हस्बैंड, मेरे नंद और मैं ही लेते हैं। तो जब कभी मूड हो या दिन में या कहीं किस टाइम भूख लगे तो हम ले लेते हैं। ये मैं आपको बाहर निकाल के दिखा रही हूँ क्या क्या लाए हैं वो, और सब चीज़ें मज़े की थी। और ये इनका जो टिमीज़ का बर्गर वगैरह लाए थे ये बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था। और इनका हमें काफ़ी पसंद है, पिज़्ज़ा वगैरह भी इनका बहुत मज़े का होता है और विंग्स भी बहुत मज़े की होती हैं, तो हम इस तरह की चीज़ें अक्सर मंगवाते रहते हैं और इनकी काफ़ी अच्छी होती हैं, और इसलिए इस वजह से हमारी सारी फैमिली को इनकी चीज़ें पसंद है, तो हम ज़्यादातर यहीं से मंगवाते हैं, और अगर जाएँ बाहर तो खुद भी वहीं से लेके आते हैं। ये बर्गर है, मैं आपको करीब से दिखा रही थी, और बहुत मज़े का था। इसमें डबल था स्लाइस और ये चीज़ वगैरह भी थी, तो काफ़ी टेस्टी था। उसके अलावा ये कुछ और चीज़ें लाए थे, ये जूस थे और चॉकलेट्स वगैरह, क्योंकि मेरे हस्बैंड अक्सर रात को काम करते हैं तो फिर जब लेट नाइट उनको भूख लगती है तो इस तरह की चीज़ें वो ले लेते हैं, तो इसलिए वो कुछ ज़्यादा लेके आए थे। और हम अक्सर ये एक्स्ट्रा लेके आते हैं और रख देते हैं, जब ज़रूरत हो तो ले लेते हैं। मैं ये चीज़ें थोड़ी कम ही लेती हूँ क्योंकि मैं डाइट पे हूँ और अपना वेट लॉस कर रही हूँ, और मैंने तकरीबन अपना 10 से 12 किलो कम भी कर लिया है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा इस तरह की चीज़ें नहीं लेती। लेकिन अब मैंने थोड़ा सा कंट्रोल ख़त्म कर दिया, मतलब अब मैं थोड़ा सा वापस नॉर्मल रूटीन पे आ रही हूँ, क्योंकि जितना मुझे वेट चाहिए था उतना आ गया है, तो अब मैंने थोड़ा सा स्टॉप किया है, तो अब मैं थोड़ा नॉर्मल खाने की तरफ आ गई हूँ। इसके अलावा रात को मैं ये हैंड क्रीम और यूज़ करती हूँ, और ये लिप बाम यूज़ करती हूँ, सोचा आपसे भी शेयर करती हूँ। ये काफ़ी अच्छी है, अगर आप इसको डेली यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं आपको इससे, और ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ये तो ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने वाली है, तो अगर आप भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसकी खुशबू भी अच्छी है, फ्रेगनेंस अच्छी है इसकी, इतनी तेज़ भी नहीं है और हल्की माइल्ड सी है। और ये इसके अलावा मैं इसके साथ लिप बाम यूज़ करती हूँ वैसलीन का, ये भी काफ़ी अच्छा है, ये रात को मैं डेली यूज़ करती हूँ, सोचा आपसे भी शेयर करती हूँ। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।